हैदर, फिलहाल रोहन से पूछिए कि वो इतने वक्त तक कहाँ था, किस हाल में था और ये हाल कैसे हुआ उसका। रोहन बोलो ना, बता दो सबको कि तुम किस मुसीबत में फंसे हुए थे, घर क्यों नहीं लौट पा रहे थे। हैदर को बताना बहुत जरूरी है। बता दो बेटा, तेरा ये हाल कैसे हो, तू किस मुसीबत में फंसा था बेटा, कहाँ था तू, कुछ तो बोल। हैदर ने तो सिर्फ कमर ही तोड़ी है। हे रुहान, सबको सच बता के मेरा हैदर को पाने का ख्वाब ना तोड़ दे। अल्लाह करे उस बेवकूफ एजाज ने रुहान को अच्छे से चाबी भरी हो, वरना इस घर को बर्बाद करने का ख्वाब और हैदर को पाने का ख्वाब तरह का तरह रह जाएगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो रोहन, अब सबको बता दो कि किसकी वजह से तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। दुख और दर्द का एहसास हम मुझे नहीं होता। मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, मैं बहुत थक गया हूं। बड़े में मैं आराम करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। मैं प्लीज प्लीज आप मुझे आराम करने दीजिए। रोहन सच्चाई क्यों नहीं बता रहा है? हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम आराम करो। हा? नहीं नहीं, पहले सबको बताओ कि सच क्या है। रोहन तुम कहाँ थे, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, सच बताओ। बस बस करो तुम, दुआ फिर से शुरू मत हो जाओ। हमारा जीना हराम करके तुम्हें चैन नहीं मिला जो मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो? देख नहीं रही उसकी हालत, अभी अभी तो लौटा है, कम से कम उसे तो बख्श दो। पर रुहान तुम सबको बताते क्यों नहीं, सबको असलियत बता दो। आखिर सबको मालूम होना चाहिए कि असलियत क्या है। एक सेकेंड, सब लोग चुप हो जाइए प्लीज, कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे आप लोग? वो बार बार कह रहे हैं कि वो थका हुआ है और जख्मी है, वो बात नहीं करेगा, इसे आराम की जरूरत है। प्लीज दुआ, अब कुछ मत पूछो प्लीज। चलिए सब लोग यहां से, रोहन को आराम की जरूरत है। रोहन कोई जरूरत नहीं कुछ कहने की, जब तेरा मन कहेगा क्या कहना, ठीक है? मैं तेरे साथ हूँ, समझा तू? अच्छा लेट। अपना भी ध्यान रखो ऑफिस। जी भाईजान। चलो चलो सब यहाँ से, रोहन को आराम करने दो। अचानक ये रुहान को क्या हो गया? रुहान की अम्मी, उसने कसर का सच किसी को बताया क्यों नहीं? उसका इतना बड़ा जुर्म क्यों छुपा रहा है? हैरानी तो मुझे भी हो रही है दुआ। रुहान मौत के मुंह से निकल के आया है दुआ, सहमा हुआ है मेरा बच्चा। हो सकता है कि वो बाद में बता दे कि उसकी ये हालत गजल ने की है। पर जब तक रुहान गजल की सच्चाई सबको बता नहीं देता, तब तक हमें रुहान का बहुत ख्याल रखना होगा, कहीं वो गजल और एजाज फिर से उसे किसी मुसीबत में न डालेगा। कब उन दोनों का शैतानी साया मेरे बच्चे के सर से हटेगा?
दिल तो कर रहा है, मैं ही गजल की असलियत सबको बता दूं, सबको बता दूं कि गजल ही रूहान की गुनहगार है। अगर ना मेरा हैदर यकीन करेंगे और ना ही अम्मी, और मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, क्या करूं? एक ही गवाह था, रूहान, और रूहान अपनी जुबान खोल नहीं रहा है। पूरा दिन काती तुम? फिर वही मुर्गी एक टांग। मैं तुम्हें मुर्गा दिखता हूँ? नहीं, ये एक कहावत है जिसका मतलब ये है कि इसका आप... मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा। सॉरी, मैं भूल गया था, मुझे पूछने का हक नहीं है। दुआ, कुछ बात करनी है तुमसे। बोलिए। न जाने कैसी कैफियत है, ऐसे लग रहा था जैसे तुमसे दूर हो जाते मजा, मानो कि जैसे सामने कोई खाई हो, मैं गिरते गिरते बचा। खुदा जाने मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, बड़े अजीब से ख्याल आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला था। समझ नहीं आ रहा तो बहुत बेचैनी है, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर मैंने अभी हैदर को बताया कि गजल ने उनके साथ क्या क्या किया तो ये मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। मुझे हैदर को सच बताने के लिए सही वक्त का इंतजार करना होगा। पता नहीं हैदर, मैं घर पे नहीं थी। खैर, कोई बात नहीं दुआ, अजीब सी उलझन थी, सोचा तुमसे बयां कर दूं। खैर, तुम जाके सो जाओ, मैं अपना बिस्तर लेकर आता हूँ। अगर फिर से गजल के कमरे में गए तो आफत पता नहीं फिर से क्या करेगी। बिस्तर रहने दीजिए। इसका क्या मतलब समझूं मैं? मतलब कि मुझे तुम्हारे बिस्तर पर सोने की इजाजत है? जी, आप मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो सकते हैं। क्या क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं? क्यों किया? बताने के लिए कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मतलब जरूर पिछली जिंदगी में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे नसीब हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करते तुम मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ कर रही हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरी मोहब्बत के सामने तुम्हारा गुस्सा शिकस्त खा रहा है। अगर ऐसी बात है तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बात आपकी मोहब्बत की नहीं है, बात मेरी रहमदिली की है। वो तो आपको जमीन पर देख के मेरे गुस्से को आप पे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा तरस आ गया। तुम्हें आता है गुस्सा प्यार पे, हमें आता है प्यार तुम्हारे गुस्से। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। मैं तो रोज बोलूंगा, बार बार कहूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा और सब देखूंगा, आई लव यू। तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है,
तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं सर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर दूर। शेर और शायरी ना बाद में कीजिएगा, कहीं मुझे फिर से गुस्सा ना आ जाए। आप चुपचाप से बिस्तर पे सो जाइएगा, मैं फर्श पे सो जाऊंगी बस। नहीं दुआ, सच कहूं तो मैं तुम्हारी रहमदिली के लायक ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने मेरी दुआ का दिल दुखा है। मुझे एहतराम नहीं चाहिए, मैं फर्श पे ही ठीक हूं। नहीं हैदर, आपकी तबीयत खराब है, आप बिस्तर पे सोएंगे और मैं फर्श पे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ, तुमने मुझे इजाजत दे दी अपने कमरे में सोने के लिए, यही मेरे लिए काफी है, मैं फर्श पे सो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं हैदर, मैंने कहा ना आप बिस्तर पे सोएंगे और मैं फर्श पर, बस आपकी तबीयत खराब है। जिस दिन तुमने मुझे अपने करीब बुला लिया, जिस दिन तुमने वापस मुझे अपना लिया, माफ कर दिया, उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी दुआ। देखा मम्मी, पूरा घर मेरे रूहान के आसपास था, सब उसका हालचाल ले रहे थे, मगर वो चुड़ैल गजल बाहर तक नहीं आई। कैसे आती? रूहान उसकी चोटी पकड़कर उसे खड़े नहीं देता, इसलिए मुंह छुपाकर बैठी होगी कहीं। बेशरम कहीं की, रूहान के साथ मोहब्बत का नाटक किया और निकाह उसके बड़े भाई के साथ कर बैठी। मेरी बहू के खिलाफ जहर उगलना बंद करो आप लोग। गजल ने कुछ गलत नहीं किया है अम्मी जान। गलत नहीं किया? रूहान का दिल तोड़ दिया, दुआ का घर बर्बाद कर दिया, एक शादीशुदा मर्द पे मुंह मार के बैठी है और तुम कहती हो कि गलत नहीं किया उस मक्कार ने। हाँ, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, तो जब राहत गुलनाज को लेकर आया था तब भी तो यही कहती तुम। अम्मी जान, मेरे हैदू ने शौक से निकाह नहीं किया है गजल के साथ, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। रूहान ने मारपीट की थी गजल के साथ, एन निकाह के दिन सबके सामने उसे अकेला छोड़कर भाग गया था वो। क्या करती बिचारी बच्ची, उसके किरदार पर जिंदगी भर के लिए दाग लग जाता, कौन अपनाता ऐसी मजलूम और लावारिस लड़की को। गलती गजल की नहीं, हमारे रूहान की थी। उस पर अपनी अम्मी का असर हावी था। माँ का असर? कहना क्या चाहती हैं अब्बा जी? इतनी सी बात नहीं समझी? तुम्हारा खून मेरी परवरिश पर भारी पड़ गया गुलनास। पहले तुमने गजल को बदनाम करने की कोशिश की, फिर तुम्हारे बेटे ने एन निकाह के दिन उसे सबके सामने अकेला छोड़कर जाने का फैसला लेकर उसे बर्बाद करना चाहा। वो तो खुदा भला करे मेरे बेटे का कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे बेटे ने गजल को अपनाया। वरना सच कहती हूं अम्मी जान, आज हमारा अख्तर खानदान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। कौन सा अख्तर खानदान? वही जिस पे दुनिया थूक रही है इस वक्त। या अल्लाह, बातें बनाना बंद कीजिए बाजी। दुनिया पता है क्या कहती है कि हीना के बेटे ने अपने ही छोटे भाई की बीवी पे हाथ साफ कर लिया अपना। अल्लाह, किस इज्जत की बात कर रही हैं आप? अरे आपकी वो चहेती गजल डुबा चुकी है इस घर का नाम। बस, उसने नहीं डुबाया, तुमने डुबाया है। मैंने? इस खानदान का नाम और इस खानदान की इज्जत। पहले तो तुम आई ना इस घर में,
मेरे शौहर पर गलत नजर डाली तुमने और बैठ गई मेरे सीने पर सौतन बनके। हजार गुनाह किए हैं मैंने बाजी, मगर आपकी तरह आज तक किसी की गुलामी नहीं की मैं। अच्छा, जैसे आप अपनी वो गजल की जी हुजूरी करती है ना, ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने। अरे खानदान की इज्जत का ना सही, अपनी इज्जत का तो लिहाज कीजिए आप। अरे वो कल की छोकरी गजल नचा रही है आपको अपनी उंगलियों पर, आप नाचती जा रही है, नाचती जा रही है। बस अपनी औकात में रहे बीबी, ज्यादा मुंह मत खुलवाना मेरा, अच्छा नहीं होगा। नहीं, खोल दीजिए आप अपना मुंह, मैं भी तो सुनूं। आपके अंदर जितना गुबार भरा है निकाल दीजिए मुझ पे। आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? बंद कीजिए। और अम्मी आप कम से कम आप ही चुप हो जाइए ना। सुन लीजिए क्या कायनात कह रही है, सुन लीजिए और जाके आराम कीजिए अपने कमरे में, सख्त जरूरत है आपको आराम की। अम्मी आप ये क्या कर रही है, चुप रहिए प्लीज। चुप कर, तुम अपनी हदें पार कर रही हो गुलनाज। मैं गजल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, आई बात समझ में? अरे मेरा मुंह मत खुलवाइए बाजी, वरना आपकी वो चहेती बहू गजल ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। बाजी एक वक्त था जब हम ऐसे ही मियां के लिए लड़ते थे, आज एक वक्त ऐसा आया है जब हम उस नामुराद गजल के लिए लड़ रहे। खुदा खैर करे, खुदा तुम्हें खामोश करे, चुप हो जाओ। वरना वरना क्या? देखिए बाजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसे मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि खुदा के लिए आप खामोश रहिए। आप जानती है ना कि मैं कितनी जुबान दराज हूँ। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अरे तुमसे तो अच्छे वो बाजार के लोग बात करते हैं। हाँ, वही बाजार के लोग आपसे हजार गुना अच्छे हैं, कम से कम वो किसी का दिल तो नहीं दुखाते। अरे शर्म कीजिए बाजी, जाके आईना देखिए, लानत बरस रही है आपके चेहरे पर। लानत बरस रही है तुम पर, तुम्हारे साथ पुश्तों पर। बात करने की तमीज नहीं है, जबान संभाल के बात कर, बड़ी हूँ तुमसे। उम्र से कोई इज्जत नहीं मिलती बाजी, और आपकी कसम आप में तो बड़ों वाली बात कोई रही ही नहीं। बदतमीज, इस लहजे में बात करेगी तू मुझसे? शर्म नहीं आती? फितना तो तू पहले से थी ही, अब उस दुआ की सोहबत से ना पूरी पागल हो गई है, जुबान पे काबू नहीं रहा। अरे आपको तो आपकी किसी चीज पर काबू नहीं रहा। छोड़, हर वक्त जिस पर सच के कुर्बान होती रहती हैं आप, मेरी बेटी मेरी बच्ची कहती रहती हैं आप, जिसे आप खरा सोना समझती हैं, उसका असली चेहरा पहचानती हैं आप? देखा है कभी आपने? अरे नकली है वो, पूरी नकली, और आपको भी नकली बना के रख दिया उसने, सास भी नकली, बहू भी नकली। अम्मी अब बड़ी अम्मी को क्या कह रही है? देखो तू चुप कर। इज्जत कराने का बड़ा शौक है उनको, मगर एक भी काम ऐसा नहीं करेंगी जिससे कि छोटे एहतराम करें। अम्मी कम से कम आप तो चुप रहिए, कुछ मत कहिएगा प्लीज। तू मुझे चुप करा रही है? खामोश होकर खड़ी रहे वहां पर, आई बड़ी। और तुम गुलनास, तुमसे एहतराम की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपनी जूती से सलाम कराऊंगी, लेकिन तुमसे उम्मीद नहीं रखूंगी, हाई बात समझ में? अरे जूती नहीं चप्पल पहनती है आप। तुम चुप नहीं हुई ना तो तुम्हारा गाल बताएगा तुम्हें मैं जूती पहनती हूँ कि चप्पल। बस करो। अम्मी आप ये क्या कर रही है? बोलती जा रही है, चुप रहिए ना प्लीज। रुहान इतने वक्त बाद घर वापस आया और आप दोनों हैं कि लड़ती जा रही है, हो क्या गया अम्मी आपको? अरे मैं कहाँ लड़ रही हूँ, तुम बस अम्मी इस गुलनास अम्मी का दिमाग खराब हो। बस सुन लिया जितना सुनना था। हाँ कायनात समझाओ इन्हें अम्मी, और अच्छी तरह से समझाओ इन्हें। अम्मी चुप रही है, कायनात ने अभी क्या बोला? चुप रही है ना, आप सोने जाइए। बड़ी अम्मी आप भी सोने जाइए। अम्मी जाइए, बोला ना, अरे जाइए। अब कोई भी एक दूसरे से एक शब्द नहीं बोलेगा। जाइए, देख लूंगी तुम्हें मैं।
जाइए अम्मी। हाँ देख लूंगी मैं आपको। अम्मी मैं क्या समझ रही है मुझे, जब देखो लानतें बरसाती रहती हैं। मेरे कुछ तो तक चली गई है, पागल बेवकूफ गजक को सर आंखों पर चढ़ा के रखा है आपने। अरे मुंह के बल गिराएंगी वो आपको, पता नहीं आपको कैसी है वो चुड़ैल। मेरी बच्चिया मेरी बच्चियां बड़ी हो गई और बड़े उनकी अक्ल घुटनों पे आ गई। अरे कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे बच्चों, तुम दोनों ने आज इस घर को जंग का मैदान बनने से बचा लिया, वरना अल्लाह गारत करे ये दोनों जब देखो तब कुतक मुर्गियों की तरह कुकु करती रहती। अल्लाह तेरा शुक्र है, कमरे में जगह मिली है, दिल में भी जगह मिल ही जाएगी। मैं जानता हूं मेरी दुआ का दिल बहुत नरम है, मुझे जरूर माफ कर देगी।